विदेंश्वर सहिता महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अवकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाला क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाल, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव वहां नम्र भाव से खड़े हुए। उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार आकार स्वरूप के प्रतीक वेद सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जतिंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथा चित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने वाले जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अंतिम छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ,
फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पांच कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं। क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ, पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो इष्ट तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है, तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीपे प्राप्ति का कराने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल स्वरूप मेरे साथ एक तत्व रूप फल प्राप्त हो जाता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ओम श्री बंधेश्वर संहिता अध्याय 7 संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।